अभी के टाइम पे स्टूडेंट एक ही चीज यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं कि क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट कब आएगा, प्लस रिजल्ट कैसा आएगा, कॉपी चेकिंग कंप्लीट हुई कि नहीं, ठीक है, कब तक रिजल्ट आएगा वो भी पता चल जाए। और एक मीडिया रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें ऐसा बताया गया कि इसी सप्ताह क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई का रिजल्ट आ सकता है, उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट कब तक आएगा, साथ ही साथ रिजल्ट कैसा आएगा, और ये जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह निकल कर आई हैं उन टॉपिक पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लाइक मैंने जो बोला है वो सही है कि नहीं। अरे ना, वीडियो में तक पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहली चीज तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी, जैसे कि पहली मीडिया रिपोर्ट्स ये निकल कर आई थी अभी कि क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का हो सकता है कि एक ही दिन रिजल्ट आए, ठीक है। ऐसे मान लो कि आज सुबह आ गया क्लास 10th का रिजल्ट, शाम को आ गया क्लास 12th का, या फिर सुबह आए क्लास 12th का और शाम को आ गया क्लास 10th का, उसी दिन सेम दिन क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आएगा, ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट ने बोला था। देखो आ सकता है, इट्स पॉसिबल, हो सकता है क्लास 10th का भी उसी दिन आए, क्लास 12th का भी उसी दिन आए। प्रॉब्लम यहाँ पे एक दिमाग में आती है बच्चों के, भैया जब क्लास 10th एंड 12th वालों का अलग अलग दिन रिजल्ट आता है तब भी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, वेबसाइट खुलनी नहीं होती, भाई तब घंटों लग जाते हैं अपना रिजल्ट चेक करने में। और अगर एक ही दिन आएगी क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई की रिजल्ट, तो भाई तब वेबसाइट का क्या हालत होगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दिन आता है क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई का रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट जो है उसका सर्वर वगैरह सारी चीज अपग्रेड हो चुकी है न्यू टेक्नोलॉजी पर सीबीएसई की, ठीक है, तो वेबसाइट क्रैश वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली रिजल्ट चेक कर सकते हो, भले ही एक दिन ही क्यों ना रिजल्ट आए, टेंशन मत लो उस चीज की, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी पर सीबीएसई भी चल रही है उसकी पूरी वेबसाइट, ओके। बाकी हो सकता है एक दिन आ जाए क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई का रिजल्ट, एक ही दिन आ जाए क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई का रिजल्ट, इट्स मे बी पॉसिबल, बट मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, ठीक है, अलग अलग दिन ही आएगा अकॉर्डिंग टू मी, बाकी हो सकता है आ जाए एक दिन, कोई बड़ी बात ना। एक मीडिया रिपोर्ट निकल कर आई थी जहां पर ऐसा बोला गया था कि इसी सप्ताह क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ सकता है। इसी सप्ताह मतलब क्या, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज तारीख है 23 अप्रैल 2023, तो 23 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल के बीच में क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट थी, ठीक है। आ सकता है क्या, क्या लग रहा है आपको? देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, क्लास 12th सीबीएसई वालों की कॉपी चेकिंग जो थी वो अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले खत्म हुई है, ठीक है। कॉपी चेकिंग होगी इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं, कॉपी चेकिंग होने के बाद बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, वो काम पूरा होता है, फिर आपका जितना भी रिजल्ट होता है वो सारा अपलोड किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, तब जाके डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो अभी 12th वालों का रिजल्ट तो तैयार ही नहीं हो पाया पूरी तरीके से, अपलोड वगैरह तो छोड़ ही दो, ठीक है। क्लास 10th वालों की कॉपी चेकिंग बहुत टाइम पहले हो चुकी है, हाँ, अगर ये बोले कि इस सप्ताह क्लास 10th सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ सकता है तो बात थोड़ी सही लगती है, लेकिन 12th सीबीएसई वालों का इस सप्ताह किसी भी कीमत पर रिजल्ट नहीं आ सकता, इस बात को ध्यान रखें। क्लास 10th वालों का भी मुझे तो नहीं लग रहा आएगा, बाकी हाँ पॉसिबल है क्लास 10th वालों को आ सकता है, लेकिन 12th वालों को बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, बाकी 10th वाले भी मुझे नहीं लग रहा कि आएगा, ठीक है। तो भैया रिजल्ट आएगा कब तक, मेन बात ये है, देखो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, 25 मई 2023 तक आपका क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। चांसेस हैं कि 15 मई से लेकर 25 मई तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाना चाहिए क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वालों का, ठीक है। बाकी सही है, आप अभी क्लास 10th में थे तो क्लास 11th में पहुंच जाओगे, 12th में थे तो भाई आप अपना कॉलेज वगैरह चूज करोगे, तो बढ़िया से अपनी पढ़ाई करोगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बच्चे बोले भाई कॉपी चेकिंग कैसे हुई, हार्ड हुई, लीनियंट हुई, और मैं पास होऊंगा कि नहीं, भाई टेंशन मत लो, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हुई है, ठीक है। सीबीएसई वालों को भी ना अपना रिजल्ट अच्छा रखना होता है, एक भाई शान होती है, सीबीएसई वालों का अच्छा रिजल्ट आया या फिर आईसीएसई वालों का अच्छा रिजल्ट आया, कौन से वाले बोर्ड में ज्यादा बच्चे पास हुए, हर एक बोर्ड चाहता है कि उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो, ताकि उसका नाम हो यार, नाम भाई अपना नाम किसको अच्छा नहीं लगता, कोई बोले यार कि आप टॉपर बन गए, आपका बच्चा तो बहुत अच्छा, कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यार। सीबीएसई वालों को भी अच्छा लगता है जब सीबीएसई वाले के मतलब सीबीएसई बोर्ड के ज्यादातर बच्चे पास हो जाते हैं, सीबीएसई वालों को भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो ट्राई करते ही सीबीएसई की आप पास हो जाओ किसी भी तरीके से, ठीक है। सो अच्छे नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लो, बाकी किसी बच्चे के कंपार्टमेंट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पेपर देना हो जाएगा, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, आगे की सोचो, आगे तुम्हें कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, क्या पढ़ाई करनी है, उस पर फोकस करो, बाकी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हो आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।